नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, उस पर रुपये मेहता की क्या राय रहेगी। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पर नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं कि सोना आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1798 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। वहीं सिल्वर भी $22.6 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि सिल्वर कल के मुकाबले अब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वहीं गोल्ड की भी जो कीमतें $1800 के करीब जाती हुई नजर आ रही है। दरअसल जो सेफ हेवन डिमांड है उसने थोड़ा जोर पकड़ा है, कि क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि US ट्रेजरी यील्ड डॉलर में जो तेजी आई थी उसकी वजह से गोल्ड फिसला था, लेकिन अब देख रहे हैं कि उसमें थोड़ी गिरावट के चलते और डॉलर गोल्ड और सिल्वर की जो मांग है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। बजट में भी गोल्ड को लेकर फैसले किए गए हैं कि गोल्ड जो जेम्सन ज्वेलरी है उसकी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, डायमंड की पॉलिश्ड कट डायमंड की जो कस्टम ड्यूटी है वो घटाई गई है, जिसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हम देख रहे हैं कि आज एक हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करते नजर आ रही हैं। तो सोने चांदी की कीमतों में यहाँ से क्या करके चलना सही रहेगा, खरीदारी करें कमोडिटी के अंदर, बिकवाली जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत आपका मांगे आपसे। देखिए अभी रेंज बाउंड है सोना और चांदी और हल्की बढ़त के साथ जरूर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में भी थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है और एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और सोने और चांदी के अंदर अभी फिलहाल निचले स्तरों पर बाइंग करके चला जा सकता है। मैंने पहले भी बताया था कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोने चांदी में बाइंग में ही रहे, लेकिन अभी आज भी इंट्राडे में मुझे लगता है कि सोना एक बार रेंज में रह सकता है 47,600 से लेकर 47,800 की फिलहाल रेंज देखने को मिल सकती है। वहीं चांदी मुझे बुलिश लगती है, चांदी 61,500 तक से लेकर 61,800 तक ऊपर तेजी में जा सकती है। जी बात करें अगर क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल देख रहे हैं कि WTI $18 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $89 पर। देख रहे हैं कि कच्चे तेल में आज भी तेजी का दौर लगातार जारी ही है। अब खबर निकल के सामने आई है कि जो ओपेक प्लस है उसकी बैठक होने वाली है आगामी दिनों में। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में ओपेक की जो बैठक होगी क्या उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर कुछ निर्णय लिया जा सकता है? इस बार क्या इस बार एक्चुअली प्रोडक्शन बढ़ती नज़र आ सकती है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि पहले 400,000 बैरल पर डे का जो बढ़ाने का उत्पादन बढ़ाने का अनुमान था उसमें तो सफलता देखने को नहीं मिली है। तो क्या इस बार कुछ प्रोडक्शन के ऊपर फिर से एक्शन्स लेते हुए नज़र आ सकता है ओपेक प्लस? देखिए ओपेक प्लस अभी जो है अपनी पॉलिसी को अनचेंज रखेंगे और जिसका मतलब ये होगा कि सप्लाई शॉर्टेज एज यूजुअल बनी रहेगी और इसके चलते कच्चा तेल आगे जो है वो तेजी में जा सकता है। ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि ओपेक देशों की तरफ से अभी फिलहाल अपनी पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ हमने US के अंदर भी इन्वेंट्रीज को गिरते हुए देखा है, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो काफी फैक्टर्स हैं जो कच्चे तेल को फिलहाल इन लेवल्स के ऊपर सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से कच्चा तेल तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब यहां से माना जा रहा है कि जिस तरीके का सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो कच्चा तेल जो है वो तेजी की तरफ दौड़ सकता है अगर ओपेक प्लस देशों की तरफ से कोई भी सप्लाई को लेकर चेंजेस होते हैं तो कच्चे तेल में थोड़ा बहुत प्रेशर बन सकता है। अदरवाइज कच्चा तेल वापस से $90 मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल इन्वेस्टर्स की नजर अभी ओपेक की होने वाली बैठक के ऊपर है, जिसके चलते आज थोड़ा सा सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि अभी बाजार एक बार WTI जो है वो $90 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है और वही ब्रांड $91 से $92 तक ऊपर एक बार जा सकता है। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स पर देख रहे हैं आज कुछ हल्का दबाव बनता नजर आ रहा है, लेकिन कॉपर में ठीक ठाक तेजी बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है आज इंट्राडे में बेस मेटल्स कैसे ट्रेड करते नजर आ सकते हैं? इंट्राडे में भी तेजी है और ओवरऑल भी तेजी है बेस मेटल में, बाइंग में रहना चाहिए। मुझे लगता है जिंक 300 के पार जा सकता है और निकल वापिस से देखिए कल की गिरावट के बाद फिर से तेजी में आ चुका है, तो वही रेंज बाउंड है निकल और अब ऊपर में 1740 से 1760 की रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। और कॉपर भी आज इंट्राडे में हमें एक्सपेक्टेड है कि 758 तक एक बार ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि बेस मेटल्स की कीमतों में इंट्राडे में भी तेजी ही देखने को मिल सकते हैं, निचले स्तरों से बेस मेटल्स में खरीदारी देखने को मिल सकती है। और दूसरा, 1 फरवरी 2022 यानी बीते सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था उसमें भी सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बात की गई थी कि अब बेस मेटल्स का जो इस्तेमाल है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि साल 2021 के बजट में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर जोर दिया जाएगा और अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर गुड्स हैं और जो
इलेक्ट्रिकल सामान है उसकी में भी बढ़ोतरी की जाएगी, उसका उत्पादन भी भारत में किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। गेमिंग इंडस्ट्री हुई और VFX हुए, एनिमेशन हुए, उसमें भी उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि उसमें जो कंप्यूटर सिस्टम्स और लैपटॉप जिन भी सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है उसमें मेटल्स की ही खपत होती है, जिसकी वजह से आगे जाके जो बेस मेटल्स की जो खपत है वो और बढ़ती नज़र आएगी। रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगे आज आपके लिए कि आज इंट्राडे की अगर बात करें तो इंट्राडे के अंदर मुझे लगता है कि आज बेस मेटल्स में बाइंग करना चाहिए। बेस मेटल में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है और वही निकल में भी बाय कर सकते हैं और साथ में सिल्वर आज बाय करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बार सिल्वर आज 61,800 तक ऊपर जा सकती है। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।